कोटा में करोड़ों रुपए की लागत से स्वास्थ्य भवन का निर्माण करवाया गया है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के सभी काम किराए के भवनों में हो रहा है, जहां राजनीतिक खींचतान के चलते उद्घाटन के 4 माह बाद भी भवन के ताले लगे हुए हैं। दरअसल स्वास्थ्य भवन निर्माण का मुख्य उद्देश्य विभाग के 5 कार्यालय का काम संचालित करना है, और इसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के अलावा डिप्टी CMHO, हेल्थ एडिशनल CMHO सहित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कार्यालय भी संचालित होने थे। भवन को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले शिफ्ट करने की योजना थी, लेकिन सभी तैयारियां राजनीतिक कसाकस के चलते धरी रह गई। वहीं संयुक्त उपनिदेशक डॉक्टर रमाकांत लवानिया का कहना है कि बिजली के काम बाकी हैं और जिनके पूरे होने के बाद ही स्वास्थ्य काम नए भवन में शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस काम में कितना समय लगेगा, इस बारे में कोई भी अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया है। हमारा स्वास्थ्य भवन बनकर के कंप्लीट हो गया है। कुछ बिजली का काम बाकी था और उसको जैसे ही CMHO हैंडओवर टेकन ओवर कर लेते हैं तो विभाग सभी विभाग उसमें स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। अभी हैंडओवर टेकन ओवर नहीं हुआ जिसके कारण ये अटका हुआ। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।